इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चा का जो केस है समय वो ज्ञान वापी मंदिर और मस्जिद वाला जो विवाद है वो है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 31 साल के बाद एक फैसला आया है। अब ज्ञान वापी में जो परिसर में व्यास जी का तहखाना था उसको पूजा करने की हिंदू पक्ष को इजाजत मिली और 31 साल के बाद ये फैसला आया है। लेकिन सबसे खास बात यह है जिस तरह से आगरा को मोहब्बत की नगरी के तौर पर जाना जाता है, सुलह कुल की नगरी के तौर पर जाना जाता है, यहाँ के मुस्लिम लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए तस्वीरों में ये लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाई भी दे रहा है। साफ तौर से इन्हीं से जान लेते हैं कि वजह क्या है। फैसला आया है 31 साल के बाद कि उस परिसर में जो व्यास जी का तहखाना है उसमें हिंदू पक्ष को अब पूजा करने की अनुमति मिल गई। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। इरफान कुरैशी नाम है मेरा और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे कोर्ट के फैसले को जो आए मुस्लिम समाज में भी खुशी की ले रहे, जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जैसे बनता आया है वैसा बना रहे, इसलिए मैं कोर्ट के फैसले को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। इसलिए मुस्लिम समाज भी बांट रहे हैं मुस्लिम समाज में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। इसलिए आगरा में हमारे मोहब्बत की नगरी है ताजमहल, तो ऐसे ही हमारी मोहब्बत बनी रहे, इसलिए हम आज स्वागत करते हैं। कोर्ट का प्रतिक्रिया ले लेता हूं फिर इस पूरे आऊंगा। पर क्या प्रतिक्रिया है आज हिंदू पक्ष को 31 साल के बाद और उस व्यास जी के तहखाने में जाने का मौका मिला है तालाब खुलने का? जो कोर्ट ने आदेश दिया वो अपना सही आदेश है, जो भी कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट का आदेश कोई मना कर नहीं सकता। कोर्ट ने आदेश दिया तो पूजा उसमें होनी चाहिए। अब पूजा के साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम है वो भी एकता बनी रहेगी। तो ये काम आज भी होने, पहले भी निपटाने थे, मगर वो काम नहीं हो पाए तो वो आज काम होना जरूरी है। आप क्या? हाँ, जितनी जल्दी अगर ये मामला हो जाता तो बढ़िया ही था, लेकिन अब जो हो गया वो भी अच्छा है, क्योंकि कोर्ट की बात को तो कोई नहीं टाल सकता, कोर्ट तो कोर्ट है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि मोहब्बत से ही सारा काम हो। इस केस को बड़े उसके तौर पर लोग देख रहे थे, आखिर एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश अंसारी। बहुत बढ़िया फैसला लिया है कोर्ट ने, कोई गलत नहीं लिया है। और जो अखिलेश यादव जी नहीं कर पाए, मायावती जी नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई, 70 साल में नहीं कर पाई, वो फैसला हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने लिया, बहुत बढ़िया फैसला लिया है। और हम तो इस फैसले से बहुत खुश हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, ये एक मोहब्बत का पैगाम है। तो हम लड्डू भी खिला रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जो पूजा होनी थी होनी है, नमाज जहाँ पढ़ी जानी है नमाज पढ़ी जानी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब राम मंदिर का फैसला आया था उसके बाद से जब उद्घाटन हुआ था 22 तारीख को, तो मोदी जी ने मन से कहा था कि बड़ी त्रासदी से देश अब उभर रहा है, तो उनमें से एक जो विवादित केस था जिस पर तौर पर देखा जाता कई राजनीतिक मायनों में, राजनीति भी खूब हुई इस केस पर, तो अब उसमें अब ये फैसला आया है ऐसे में, तो उसमें मुस्लिम समाज और आप लोग क्या सोचते हैं? मैंने अभी बताया तो था, मुस्लिमों को तो और पार्टी थी सपा बसपा कांग्रेस, ये हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में बिरयानी बनती है उसमें एक तेजपाच का पत्ता डलता है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है बिरयानी में, उसे निकाल के फेंक दिया जाता है, उसे खाया नहीं जाता। इसलिए यही मुसलमानों के संग हर पार्टी करती रही है और मुसलमान समझ चुका है, इसलिए अब मुस्लिम समाज ने बना लिया, मन बना लिया है और बनाता हुआ रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना के भेजेंगे और मुस्लिम आगरा हमारी मोहब्बत की नगरी है और जो भी फैसला आया कोर्ट का उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, इसलिए मुसलमानों में बहुत खुशी की लहर है। क्या लगता है वोट बैंक के तौर पर अब तक लड़ाया जा रहा था हिंदू मुस्लिम को, कभी राम मंदिर के नाम पे तो कभी ज्ञान वापी के नाम, कभी मथुरा के नाम पर, कभी मुस्लिम वोट तो किसी के इनके लोगों ने तो मुस्लिमों को बहुत तरीके से मतलब गलत इस्तेमाल किया और पार्टियों ने जो किया। बीजेपी जो है कि आज मुस्लिम समाज को हर चीज, जैसे हिंदू समाज को मिलती है सारी चीजें, मकान है, राशन है, सारी चीजें, तो कोई भेदभाव नहीं है ये, मतलब मुस्लिम समाज के कुछ लोग इतने समय से कहाँ बैठे हुए थे, जो भी बैठे हुए थे इतने समय से, जो आज लोग जो निकल के आ रहे हैं, जो उद्यम कर रहे हैं वो कहाँ थे, और उनके कन्ने से होगा क्या भाई? योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार इसमें कुछ नहीं। देखिए यही इस शहर की खूबसूरती है जिसे मोहब्बत की नगरी के तौर पर जाना जाता है, सुलह कुल की नगरी के तौर पर जाना जाता है, और यही मिसाल यहाँ के रहने वाले मुस्लिम लोग हैं उन्होंने पेश किया। उनका साफ तौर से कहना है कि जो हिंदुओं का है वो हिंदुओं को मिले और जो मुस्लिमों के पक्ष का है वो मुस्लिमों को मिले। हालांकि एक बड़ा फैसला कोर्ट का आया है, 31 साल के बाद अब जो ब्यास का जो तहखाना था उसमें पूजा करने का हक हिंदू पक्ष को दिया गया है और जिला प्रशासन को तलब किया गया है, बताया गया है कि 7 दिन के अंदर पूजा करने की व्यवस्था की जाए। सारा जो मसला है वो मोहब्बत से उसका जो निपटारा है वो आसानी से किया जाए। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।